सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइस वेलकम बैक इन अदर टेक वीडियो। गाइस आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A31 के फीचर्स के बारे में और मैं अपना ट्रू ओपिनियन दूंगा कि ये फ़ोन कैसा है गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस इसमें आपको स्क्रीन मिलेगी 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले गाइस, जो कि फ्लैगशिप डिस्प्ले है गाइस। इसमें आपको इन्फिनिटी यू कट डिस्प्ले मिलेगी गाइस। अगर इसके हम ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इसमें आपको हेडफोन जैक, साथ में स्पीकर ग्रिल और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल मिड रेंज के मोबाइल में आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट जरूर मिलता है। साथ में इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है जिसमें आप दो सिम और एक चिप लगा सकते हैं गाइस। अगर इसके हम सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है गाइस। अगर इसके हम रियर कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर के साथ, और जो आपको सेकेंड कैमरा मिलता है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो के साथ, और आपको थर्ड कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट के साथ, और आपको फोर्थ कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए और साथ में लाइफ फोकस के लिए गाइस। गाइस ये चारों ही कैमरा बहुत ही कमाल के कैमरा है गाइस। गाइस अगर इसके हम फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है इन्फिनिटी यू कट के साथ। गाइस अगर इसके हम सॉफ्टवेयर डिटेल के बारे में बात करें तो ये चलता है One UI 2.1 पर, जिसकी बेस लेयर एंड्रॉयड 10 है गाइस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइस अगर इसके हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें प्रोसेसर लगा है मीडियाटेक का हीलियो P65 ऑक्टा कोर प्रोसेसर गाइस, जो कि बहुत ही पुराना प्रोसेसर है गाइस। सैमसंग को कम से कम इसमें हीलियो P70 या P80 प्रोसेसर जरूर देना चाहिए था इस प्राइस रेंज पे। गाइस अगर इसके हम बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें लगी है 5000 mAh की बिग बैटरी, जिसमें आपको 15 वाट के फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइस अगर इसके हम एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको NFC बेस्ड सैमसंग पे और साथ में वाइड बाइन एलपिन का सपोर्ट भी मिल जाता है। गाइस अगर इसके हम कलर वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये 4 कलर वेरिएंट पे इंडिया में अवेलेबल है। जो पहला है वो है ब्लैक, जो दूसरा है वो है ब्लू, जो तीसरा है वो है रेड, और जो चौथा है वो है वाइट कलर। गाइस ये चारों बहुत ही अच्छे कलर हैं गाइस। गाइस अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 6GB रैम और 128GB रोम की इंडियन प्राइस है 21,999 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत ही पुराना प्रोसेसर गाइस और लगा है, जो कि सैमसंग को कम से कम हीलियो P70 या P80 जरूर दे देना चाहिए था गाइस। गाइस अगर इसमें हम 5 मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाती है, कैमरा मिल जाती है, और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपके पूरा दिन साथ तो जरूर निभा देगी गाइस। गाइस अगर फीचर अनबॉक्सिंग की ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको इसी तरह की फीचर अनबॉक्सिंग की वीडियो लाता रहूँगा गाइस। तो चलिए गाइस अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।